नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, माने एग्जाम से संबंधित जो भी आपका असुविधाएं हैं, यानी बच्चे लोगों के मन में जो भी असुविधाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और स्कूल और कॉलेज फीस के बारे में बात करेंगे कि आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इसको भी लेकर के समाज में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, 30 मई को लिखा गया है। सब्जेक्ट है आपका मॉनिटरिंग ग्रीवेंसेस ऑब्लिक कंसर्न रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक मैटर्स इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। पहला पैरा आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेकेंड पैरा में हम लोगों को पढ़ने का आवश्यकता है। सेकेंड पैरा में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अपने भाषा में बता रहा हूँ, साधारण भाषा में। सारे यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज से संबंधित जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है, माने उस यूनिवर्सिटी के तहत जो भी कॉलेज है, उनको बोला गया है कि एक सूटेबल मैकेनिज्म तैयार करिए। सूटेबल माने एक ऐसा यंत्र तैयार करिए जो लोगों का ग्रीवेंसेस माने बच्चे का और पेरेंट्स का जो भी असुविधाएँ हैं उसे रिसीव कर सके और उसे हम लोग एड्रेस कर सके अप्रोप्रिएटली। ये बोला गया है यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित जो भी कॉलेज है, ठीक है, कि एक आप मैकेनिज्म तैयार करिए, एक ऐसा सिस्टम तैयार करिए जो लोगों का यानी बच्चे का और पेरेंट्स का क्या सुन सके, ग्रीवेंसेस को सुन सके, असुविधाएँ को सुन सके और उसको एड्रेस किया जा सके अप्रोप्रिएटली। लास्ट स्टेज में आपके फीस के बारे में बोला गया है, आपके फीस के बारे में बोला गया है स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को, कि आपका जो भी ट्यूशन फ़ी हो रहा है या एनुअल फ़ी हो रहा है या जो भी एग्जामिनेशन फ़ी हो रहा है, इसको सिंपैथेटिकली एंड इफ़ फिजिबल माने सहन मतलब जो भी आपका फीस बन रहा है, जो भी आपका ट्यूशन फ़ी हो रहा है, इसको आप सहानुभूतिपूर्वक मतलब जितना सहानुभूति आप दे पाएंगे जहाँ तक संभव है वहाँ तक आप संभव करिए। यानी साधारण भाषा में अगर बात करें हम लोग तो स्कूल और कॉलेज को बोला गया है कि जो आपका फीस है, एग्जामिनेशन फ़ी है, उसको आप सहानुभूतिपूर्वक यानी गार्जियन को एक ऐसा सिस्टम दीजिए, एक ऐसा सहानुभूति दिखाइए कि उनको देने में आराम हो, माने उनको रिलैक्सेशन दिया जाए जहाँ तक संभव हो, या अगर अलग से आपके पास कोई अल्टरनेटिव पेमेंट का ऑप्शन है, अलग कोई तरीका है जिससे स्टूडेंट को आसानी हो, तो ऐसा अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव पेमेंट का मेथड है तो आप दे सकते हैं। यानी जैसे बहुत सारे स्कूलों का कहना है कि हम लोग कुछ पेमेंट को छोड़ देंगे या एग्जामिनेशन फीस में रिलैक्सेशन, बहुत सारा चीज़ है, तो ऐसा चीज़ आप कर सकते हैं, या पेरेंट्स को आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आपका गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि मैं किसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और स्कूल को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को जहाँ तक संभव हो आप उनका मदद करिए, क्योंकि यह डिफ़िकल्ट सरकमस्टांसेस है, डिफ़िकल्टीज है, सभी लोगों को दिक्कत है, तो जहाँ तक हो आप वहाँ तक उनको यथासंभव सहानुभूति दिखाइए, माने उनको रिलैक्सेशन दीजिए जहाँ तक हो, ठीक है। तो ये आपके स्कूल और कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीका से आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। थैंक यू।